गंगोत्री देवी महाविद्यालय में सांस्कृतिक समिति की ओर से मंगलवार को सावन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी रीना त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर परिभाषिता त्रिपाठी रहीं। इस दौरान कार्यक्रम के छात्राओं ने कजरी राजस्थानी लोकगीत और श्रावण गीत की मनमोहक प्रस्तुति की। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रीना त्रिपाठी ने कहा कि महाविद्यालय की ओर से प्रस्तुत किया गया उत्तम कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रबंधन तंत्र की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। उन्होंने कहा कि सावन मास सर्वोत्तम मास कहा जाता है। भारत की अनूठी लोक परंपराओं के माध्यम से सावन पर कजरी और लोकगीतों का प्रचलन रहा है, लेकिन आधुनिकीकरण के दौर में लोकगीत, सावन का गीत, कजरी आदि लुप्त हो रहा है। निस्संदेह महाविद्यालय द्वारा लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए संवाहक का कार्य किया है। ऐसा कहकर मुख्य अतिथि ने सभी का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला ने कहा कि महाविद्यालय की छात्राओं व सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी पांडे व सदस्य डॉक्टर प्रियंका ओझा, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, दीपांजलि श्रीवास्तव आदि के अथक प्रयास से इस उत्सव के माध्यम से विलुप्त हुई संस्कृति को साक्षात करने का प्रयास किया गया है। महाविद्यालय की छात्राओं अदिति, साक्षी, श्रद्धा, श्वेता, शिवांगी समेत अनेक छात्राओं ने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस दौरान महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर रचना तिवारी, महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर आराधना श्रीवास्तव, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर सीमा तिवारी, रजनी प्रतिभा व कार्यालय के दमयंती मिश्रा व अशोक सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर गौरी पांडे और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला ने कहा। Their culture, which was a very very good experience to see everybody on stage. So मैं चाहूँगी कि स्कूल का और नाम आगे पूरे गोरखपुर में हो, इसके लिए आप लोग को अपनी स्किल्स और आगे बढ़ाएं और टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन और पॉजिटिव वे में बढ़े ताकि स्कूल को हम लोग और नए उसमें मंच पे ले जाएं। थैंक यू। पहले तो नमस्कार, मैं गंगोत्री देवी पीजी कॉलेज से कल्चरल कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर गौरी पांडे और हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर अजिता मैम, डॉक्टर दीपांजलि मैम और डॉक्टर प्रियंका मैम वहाँ बैठी हैं, वो आ नहीं रही हैं। तो हम सभी लोगों का सहयोग रहा है इसमें और मैं अकेले इस टीम में काम नहीं कर पाती अगर ये सभी लोग नहीं रहते। और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी प्राचार्य मैम का रहा है और हमारी बड़ी जो वरिष्ठ हैं डॉक्टर अर्चना तिवारी और डॉक्टर नूतन त्रिपाठी मैम। तो इन लोगों के सहयोग से बहुत सीमित समय में और सीमित संसाधनों में हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा कर पाए हैं और बच्चों का सहयोग भरपूर रहा। डॉक्टर दिव्या मैम का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा
उन्होंने छोटे समय में और संचालन किया है, बहुत ही उम्दा संचालन किया हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सही हो पाया है। ग्रुप जो ग्रुप का जो एक वो होता है, समूह जो काम होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से, तो उसी वजह से सफल हो पाया है ये काम। गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला, ये कार्यक्रम जो है यह सावन से संबंधित है, और चूँकि यह सावन का महीना चल रहा है, हम भारतीय संस्कृति में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, इसमें इस महीने का बहुत अधिक महत्व है। जो हम पर्यावरण की दृष्टि से भी देखते हैं तो भी महत्वपूर्ण है, चारों तरफ हरियाली मुझे दिखती है, साथ ही जो मेरी सांस्कृतिक धरोहर है उसको सुरक्षित करने के लिए एक हमने प्रयास किया है कि हमारे बच्चे जो हैं इस सभ्यता और संस्कृति से परिचित होकर के इस सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख सकें और आगे के बारे में जानें कि ये कार्यक्रम क्या हो रहा और कैसे होगा। इन बच्चों ने कजरी के माध्यम से और प्रावीण्य स्पीच के माध्यम से यहाँ पे जो जागरूकता रूपी कार्यक्रम किया है, जिसको देख करके यह लगता है कि बच्चे भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है और यह मेरा दायित्व है कि हम उन बच्चों को इसके लिए सुसंस्कृत एक अच्छे मार्ग पे चलाएं। हम शिक्षक हैं और शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बच्चों को एक ऐसा रास्ता दे जिस पे चल करके वह अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने देश के बारे में जाने और समझे। आधुनिकरण के इस युग में बच्चे अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो खोते जा रहे हैं, उन्हीं को जगाने का एक छोटा सा प्रयास इस कॉलेज के माध्यम से किया गया है।